बीच रुक कर लेते हैं करनाल का, जहां सीएम सैनी पहुंचे हुए हैं, श्रमिक सम्मेलन में जनता को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवा देते हैं आपको। अधिकारी 3 दिन पहले घर चला जाता था चेक लेकर के, ये व्यवस्था हमने की हुई थी और अब भी इसको आप लोगों को दिक्कत ना आए। हरियाणा प्रदेश के श्रमिक को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि आप लोग ही हैं पसीना बहा करके देश को एक विकास की नई गति देने का काम करते हैं और दिन रात आपका जो पसीना बहाता है उसी पसीने से ही भाइयों देश और प्रदेश चमकता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी और पीछे जब मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, मुझे ध्यान में है कोई भी विषय आप लोगों का मैं मनोहर लाल जी के पास लेकर के गया, एक बार भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, तुरंत उसको उसी कलम से पूरा कर दिया और वो लाभ सीधा डायरेक्ट आप लोगों तक पहुंचा है। भाइयों आज हम यहां पर सभी प्रमुख व्यक्ति एकत्र आया है जो हरियाणा प्रदेश के श्रमिकों को आगे उन तक योजना, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, उसकी आवाज को हमारे तक पहुंचाने का काम आप लोग करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पीछे जितनी भी कोई कमी है उसके अंदर रही है, अधिकारियों के साथ बैठ करके एक एक कमी को दुरुस्त कर दिया जाएगा, आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी जाएगी। मैं देख रहा था सुरेंद्र ठाकुर जी बहुत सारी समस्याओं के बारे में मांग पत्र के ऊपर बोल रहे थे, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, मैं बोल तो नहीं अभी सकता, परंतु 4 तारीख के बाद ये सारे काम करने का अधिकारियों के साथ बैठ करके उनको जैसा जैसा वो एक योजनाबद्ध पॉलिसी के मैटर आएगा उसको पूरा करवाने का काम करेंगे। भाइयों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ है, आज पहली बार इन 10 वर्षों में गरीब की चिंता की गई है, आज गरीब व्यक्ति को चाहे आवास देने की बात है, गरीब व्यक्ति के आवास के अंदर गैस का कनेक्शन पहुंचाने की बात है, गरीब व्यक्ति के आवास में चाहे राशन पहुंचाने की बात है, गरीब व्यक्ति के मकान में चाहे नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, गरीब व्यक्ति के घर के अंदर आयुष्मान कार्ड दे करके उसको इस बात से भी निश्चिंत किया है कि अगर कोई दुर्घटनावश बीमारी आ जाती है उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उसकी व्यवस्था भी इन 10 वर्षों के अंदर वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। भाइयों मुझे इस बात की भी खुशी है कि इन्हीं 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने, नहीं तो बहुत सारा समय आपका ऑफिसों के चक्कर लगाने में निकल जाता था, हमने उसको दुरुस्त किया था, परंतु बीच में फिर थोड़ी सी वो दिक्कतें आप लोगों को आई हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं, मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, आपको कहीं दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, डायरेक्ट आपके खाते के अंदर भाइयों सीधा लाभ पहुंचाने का काम वह हमारी सरकार करेगी, उसको सुनिश्चित करेंगे। चाहे बेटी की शादी की बात हो, चाहे गरीब व्यक्ति को तीर्थ भ्रमण की बात हो, भाइयों उसको लेकर के भी हमारी सरकार इसको मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेगी। बेटी
बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनको चाहे स्कॉलरशिप देने की बात हो, अगर कहीं मेडिकल के अंदर एडमिशन लेने की बात हो, तमाम व्यवस्थाओं के अंदर ये सरकार आप लोगों के साथ खड़ी होकर के उन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। मुझे ये भी खुशी है कि अभी बताया गया है कितना पैसा वो श्रमिकों के हित के लिए वो पड़ा था, परंतु हमने धीरे धीरे करके उनके वेलफेयर के ऊपर उसको खर्च करने का काम किया है। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या ना हो, उसको आगे भी हम लगातार बढ़ाने का काम करेंगे। चाहे बेटे की शादी हो, चाहे बेटी की शादी हो, और चाहे हमारे श्रमिकों को पेंशन की बात हो, उन सब विषयों को लगातार आगे बढ़ाने का काम वो आप लोगों के साथ बैठ करके हम करने वाले हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमने जब भी योजना कोई बनाई है, वो योजना के बीच में आपके ही पदाधिकारी वो शामिल रहे हैं। इनके साथ ही बैठ करके हमने वो सारी योजना रचना बनाई है, परंतु बीच में थोड़ी दिक्कतें आप लोगों को वो आई थी, वो दिक्कतें अब ना आए। उनमें जहां जहां भी आप लोगों को समस्या आ रही है, वो समस्याएं सुरेंद्र ठाकुर जी ने बताई हैं, उनको दुरुस्त करके उनका लाभ आप लोगों तक सरलता से पहुंचे, इस व्यवस्था को करने का काम करेंगे। मैं आप लोगों के बीच में आज इस बात के लिए कि इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने और हमारी डबल इंजन की सरकार ने भाइयों गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कान लाने का काम किया है। मैं देखता हूं जब कोरोना का वैश्विक संकट आता है, जब पूरी दुनिया अपने घरों के अंदर कैद हो जाती है, क्योंकि हमारा श्रमिक वो मेहनत कश और वो सुबह कमाता है, शाम को खाता था, परंतु वो भूखा पेट ना सोए, इसकी चिंता अगर किसी ने की वो भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी ने की। और भाइयों, मुझे खुशी है कि उन श्रमिकों के लिए भाइयों 220 करोड़ डोज वो फ्री में लगी है देश के लोगों के लिए, और 80 करोड़ परिवारों तक लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी वो इस डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने की है। परंतु भाइयों, क्योंकि जब हम इतना लाभ नीचे तक पहुंचाने का काम एक योजनाबद्ध तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है, परंतु उस लाभ को भाइयों कहीं ना कहीं विपक्ष के पेट में वो दर्द भी दिखाई दिया है। वो श्रमिकों के साथ किस प्रकार का मजाक करते थे, किस प्रकार का व्यवहार करते थे, एक वोट बैंक के रूप में उनको इस्तेमाल करते थे, परंतु कभी भी उनके वेलफेयर के लिए, उनके लाभ के लिए आज तक उन्होंने योजना नहीं बनाई। भाइयों, आज श्रमिकों को चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत मकान बना करके देने का कार्य है, और निरंतर नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है।